सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत के इतिहास के पन्नों को जितना पलटकर वापस देखते हैं तो भारत के इतिहास में समय समय पर हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विभिन्न विद्रोह, युद्ध और आंदोलनों का पता चलता है। शायद इस इतिहास के पन्नों को पढ़े बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये युद्ध, ये विद्रोह भारत के पराक्रम को दर्शाते हैं। आज ही के दिन यानी 30 जून को भी ऐसा ही विद्रोह का निर्णय लिया गया था जिसने अंग्रेजों के हाथ पांव फुला दिए थे, जिसने अंग्रेजों को उनके ही कानूनों को बदलने पर मजबूर कर दिया, संथाल विद्रोह। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संथाल विद्रोह, जिसे संथाल पुल के नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जैसे संथाल क्या है, इस विद्रोह के पीछे की वजह और बहुत कुछ। 30 जून 1855 में एक विद्रोह करने का निर्णय लिया जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन, उनकी जमींदारी व्यवस्था, उनका जबरन जमीन हड़पना, भू राजस्व का ऊंचा दर, ये इस विद्रोह के कारण रहे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। वहीं भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल परियोजना में संथालों से बेगारी करवाना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। चलिए पहले जान लेते हैं संथाल के बारे में। संथाल दामा नेहको नामक क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी थे। संथाल भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। प्राचीन समय में ये जनजाति बिहार व पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रहा करते थे। संथाल जनजाति के लोगों का मुख्य काम कृषि था, यही इनका व्यवसाय था। ये जंगलों को काटकर उस जमीन को खेती योग्य बनाकर उसमें कृषि किया करते थे। इनके प्रमुख निवास स्थान कटक, पलामू, छोटा नागपुर, हजारीबाग, पूर्णिया, भागलपुर इत्यादि थे। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। परहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। परहा पंचायत के सरदार हमेशा संथालों के हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे। वो गांव के लोगों से लगान वसूलते थे तथा उसे एक साथ राजकोष में जमा करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी वो अपने लोगों से ही पुरोहित या पाहन का चुनाव करते थे। लेकिन शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन में अंग्रेजों के आने से वो शांति भंग हो गई। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण एवं अत्याचार के कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक काल में संथाल जनजाति का बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार था। इस काल से शुरुआती दौर में संथाल जनजाति का जीवन समृद्ध और खुशहाल था। आपको बता दें, भारत में अंग्रेजों के शासन काल को औपनिवेशिक या उपनिवेश काल कहा जाता था। ये काल सन 1760 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। संथाल लोगों की खुशहाली व इनका विस्तृत भूभाग अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बनकर चुभने लगा। इसी कारण अंग्रेजों ने संथालों की भूमि को जमींदारों को देना शुरू कर दिया। इस भूमि का वास्तविक अधिकार अंग्रेजों के पास रहा। जमींदार संथाल कृषकों से इस भूमि पर कृषि कराने लगे और बदले में भूमि कर लेने लगे। धीरे धीरे संथालों की समृद्धि कम होती चली गई और वो कर्ज में डूबने लगे, जिसके बाद इस भूभाग पर ऋण देने के लिए साहूकारों का जमावड़ा लग गया। अब संथाल लोग साहूकारों से कर्जा लेकर कृषि करते, भूमि कर देते और अपने परिवार को पालने लगे। और इससे हुआ ये कि संथालों की आर्थिक व सामाजिक दशा दयनीय स्थिति में पहुंच गई। अंग्रेजों, जमींदारों व साहूकारों के शोषण से परेशान होकर संथालों ने विद्रोह का रास्ता चुना। सन 1855 से 1856 में संथालों ने सरदार धीर सिंह मांझी के नेतृत्व में एक दल बनाया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सबसे पहले संथालों ने महाजनों व साहूकारों को निशाना बनाया व उनकी धन संपत्ति को लूटना शुरू किया।
इस विद्रोह के शुरुआती दौर में चार शक्तिशाली संथाल नेता उभरे, जिनका नाम सिद्धू, कानू, चांद व भैरव था। जहां 30 जून 1855 को भगनाडीही गांव में एक विशाल बैठक हुई, जिसमें इन चारों नेताओं समेत लगभग 10,000 संथाल लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में शपथ ली गई कि संथाल लोग जमींदारों, साहूकारों व अंग्रेजों का शोषण नहीं सहेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपको बता दें, इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस बैठक के बाद ये छोटा सा विद्रोह एक शक्तिशाली विद्रोह में बदल गया। संथालों के विद्रोह का भयंकर रूप देखकर अंग्रेजी सरकार के पसीने छूट गए और अंग्रेजी सरकार ने इसका हल खोजना शुरू कर दिया। संथालों ने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला शुरू किया। साहूकारों के मकानों को उन दस्तावेजों के साथ जला दिया गया जो गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया गया। रेलवे इंजीनियर के बंगलों को जला दिया गया, फसल जला दिए गए। संथालों ने अपने परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया। वो तीर, धनुष एवं भाले का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थे। संथालों के द्वारा किए गए इस विद्रोह में अंग्रेजों, जमींदारों व साहूकारों को जमकर निशाना बनाया जाने लगा। इस दौरान अंग्रेज अफसरों के साथ जमकर लूटमार और मारपीट की जा रही थी और इस विद्रोह से घबराकर या यूं कहे डरकर अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए दमनकारी नीति को अपनाया। संथाल विद्रोह को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने जमकर हथियारों का प्रयोग किया। इस संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। मेजर जनरल बरो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गई। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनामों की भी घोषणा की गई। लगभग 15,000 संथाल मारे गए, गांव के गांव उजड़ गए। वहीं संथाल नेता सिद्धू और कानू को पकड़ लिया गया, जिसके बाद संथाल विद्रोह कमजोर पड़ गया और इस तरह इस विद्रोह का अंत हो गया। संथालों का विद्रोह एक जातीय विद्रोह था, जिन्होंने जातीय आधार पर अपनी पहचान बनाई थी। संथाल विद्रोह एक संगठित आंदोलन था, जिसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोगों को एकजुट किया। वहीं ये विद्रोह एक सशस्त्र क्रांति के रूप में उजागर हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना था। एक स्थानीय आंदोलन था, जिसके लिए बहुत सारे जातिगत एवं धर्मगत बातें जिम्मेदार थी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को संथालों की दशा के बारे में विचार करना जरूरी हो गया और उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जायज कदम उठाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों को उनकी भूमि पर अधिकार दे दिया गया व संथालों का अलग से संथाल परगना बना दिया गया। वहीं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया। अंग्रेजों और संथालों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और इस तरह संथाल विद्रोह, जो औपनिवेशक सत्ता के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह बना,